नमस्ते, मैं हूं नेहा भट्ट और आज मैं आपको बताऊंगी मेरी स्पेशल फरारी फ्रेंकी की रेसिपी जो कि उपवास में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आइए फटाफट से जानते हैं फरारी फ्रेंकी की रेसिपी। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फरारी फ्रेंकी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फरारी फ्रेंकी की रोटी बनाने के लिए हमें फरारी आटा चाहिए। उसका स्टफ रेडी करने के लिए हमें चाहिए कटी हुई शिमला मिर्च और कटा हुआ टमाटर, हरी चटनी, नमक, मिर्च पाउडर, छीना हुआ आलू, नींबू का रस और चीज़ क्यूब। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फरारी आटे का डो। उसके लिए हमें चाहिए एक कप फरारी आटा। थोड़ा सा हम रख लेंगे फरारी आटा रोटी बेलने के लिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच तेल डालेंगे इसमें हम। अगर चम्मच छोटी है तो आप दो चम्मच डालें। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से गूंदेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं वैसा आटा इसका बना लेना है हमें। और ये हो गया है हमारे फराली आटा रेडी। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से हम भून डालेंगे। तो जो डो बनाया था वो हमने एक साइड रख लिया है। अब हम इसका स्टफ रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम इसमें लेंगे थोड़ी सी कटी हुई सब्जियाँ। इसके अंदर हम डालेंगे छीना हुआ आलू, इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, इसके अंदर हम डाल देंगे नींबू का रस थोड़ा सा और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए आपको इसे अच्छे से हिला लेना है। और ये हमारा स्टफ रेडी हो गया है। अब हम फरारी फ्रेंकी की रोटी बना लेंगे। इसको हम जैसे नॉर्मल रोटी को बेलते हैं वैसे ही गोल बेल देंगे। उसके बाद हम इसको सेकेंगे। अभी हम इस रोटी को सेकने के लिए डाल देंगे। जिस साइड आपने बेला हो वो साइड नीचे की तरफ आनी चाहिए। ये अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें इसे लेना है। जैसे नॉर्मल रोटी को हम सेकते हैं वैसे ही हमें इसे सेकना है। एक साइड पक जाए उसके बाद दूसरी साइड घुमा लेना है। अब दूसरी साइड पूरी तरीके से पकने के बाद ही हमें इसको घुमाना है। अब ये नीचे से ब्राउन हो चुकी है आप देख सकते हो और इसको हम घुमा लेंगे। ये हमारी रोटी हो गई है रेडी। अब हम इसकी एक तरफ घी लगा लेंगे पहले, जैसे हम नॉर्मल रोटी को लगाते हैं वैसे। घी नहीं पसंद हो तो आप इसको ओवर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर हरी चटनी लगाएंगे अच्छे से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप लगा लेंगे। अब इस फ्रेंकी के बीचों बीच हम स्टफ की एक लाइन कर देंगे।
अच्छे से लाइन करनी है ताकि बीचों बीच ही रहे। अब इसके ऊपर हम बीचों बीच चीज़ डाल देंगे इस तरीके से, आधा चीज़ ये डालें फिर आधा हम इसमें गार्निशिंग के लिए रखेंगे और इसको अच्छे से पैक कर देंगे ऐसे। अब हम तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे और जहाँ घी लगाया है उसके ऊपर इस फ्रैंकी को हम रख देंगे। अब फ्रैंकी की ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा घी लगा देंगे, इसको दूसरी तरफ सेकना होगा इसलिए, ये ऑलरेडी गर्म ही है इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी से पलट देंगे वरना ये जल जाएगा। अगर आपको लगे कि ये कच्चा है तो आप इसको दोबारा भी घुमा सकते हैं। ये हो गई है हमारी फ्रैंकी रेडी। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे चीज़ डाल देंगे। के ऊपर हम थोड़ा सा केचप डाल देंगे इस तरीके से, हम इसे गार्निश कर देंगे। तो ये हो गई है हमारी फराड़ी फ्रैंकी रेडी। तो ये थी मेरी फराड़ी फ्रैंकी की रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार ही आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।